नेबुला मैथ्स के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शेयर और लाभांश पढ़ने जा रहे हैं। यह एक ऐसा चैप्टर है जिसे एक सामान्य स्टूडेंट बड़ा कठिन समझता है और घबराता है। यह चैप्टर कठिन इसलिए लगता है क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ऐसे तकनीकी शब्द आते हैं जिनसे एक सामान्य स्टूडेंट सामान्य जीवन में रूबरू नहीं होता है, लेकिन यह चैप्टर वास्तव में बहुत ही आसान है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इस चैप्टर का 90% हिस्सा लाभ हानि और अंकित मूल्य के चैप्टर से जुड़ा हुआ है, और नेबुला मैथ्स पर मैंने लाभ हानि और अंकित मूल्य दोनों पर ही बहुत पहले वीडियो अपलोड किया था जिसे आप लोगों ने देखा भी है। शेयर और डिविडेंड के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस चैप्टर के सारे सवालों को चुटकियों में हल करने लायक हो जाएंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि किसी कंपनी या फैक्ट्री को लगाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए की ज़रूरत पड़ती है, और हो सकता है कि जो व्यक्ति कंपनी या फैक्ट्री लगाना चाह रहा हो उसके पास अकेले उतना धन न हो। इस चैप्टर को समझने के लिए हम करोड़ों अरबों की बात नहीं करेंगे, एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए कि यह व्यक्ति है जिसे कोई फैक्ट्री लगानी है और उसे 10,000 रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता है। हम जानते हैं कि 10,000 रुपये में कोई कंपनी नहीं बैठने वाली है, लेकिन समझने के लिए यह हम छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं। अब यह व्यक्ति 10,000 रुपये इकट्ठा करने के लिए इस 10,000 को छोटे छोटे भागों में बांट देगा, 10-10 रुपये या 100-100 रुपये में। इन छोटे छोटे भागों को या अंशों को या हिस्सों को ही हम लोग शेयर कहते हैं। यदि इस 10,000 रुपये को 10-10 रुपये के छोटे छोटे भागों में या शेयर में बांटा जाए तो कुल शेयर की संख्या होगी 1,000, और यदि 100-100 के हिस्सों में बांटा जाए तो कुल शेयरों की संख्या होगी 100। हम लोग मान लेते हैं कि कंपनी का ये मालिक 100 रुपये के कुल 100 शेयर जारी करता है। इसके लिए यह व्यक्ति अपनी कंपनी का पूर्ण विवरण, उसका सारा नियम कानून आम जनता में प्रचारित कराएगा। आम जनता उस नियम कानून को भलीभांति पढ़ती है और कंपनी के बारे में विधिवत अध्ययन करने के बाद जिन लोगों को इस कंपनी में इंटरेस्ट होता है वो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं। हम मान लेते हैं कि इन 5 लोगों को इनकी कंपनी में इंटरेस्ट आया और ये 5ों लोग इनकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए तैयार हो गए। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 5ों लोग बराबर बराबर पैसा लगाएंगे, जिसके पास जितनी क्षमता होगी उतना पैसा इनकी कंपनी में लगाएंगे। कंपनी वाला क्या करेगा कि इन लोगों के पैसे के बदले इन सभी को अपने दस्तखत और मुहर से एक प्रमाण पत्र देगा, और जिन्हें ये प्रमाण पत्र मिलता है उन्हें शेयर होल्डर बोलते हैं। इस प्रमाण पत्र में पूर्ण विवरण के साथ लिखा होता है कि आपने कंपनी में इतने पैसे लगाए हैं और एक शेयर का मूल्य कितना रुपया है। कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयर सर्टिफिकेट में शेयर का जो मूल्य अंकित होता है, छपा होता है, प्रिंट होता है, उसे ही शेयर का अंकित मूल्य, सामान्य मूल्य, पार वैल्यू या सम मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य बदलता नहीं है, ये फिक्स रहता है। इस उदाहरण में हमने माना है कि कंपनी द्वारा शेयर का मूल्य 100 रुपये निर्धारित किया गया है, तो यहाँ अंकित मूल्य 100 रुपये है। अब मान लेते हैं कि ये पहला व्यक्ति इस कंपनी में 500 रुपये लगाना चाहता है,
तो इसके लिए इसे 100-100 रुपए के कितने शेयर लेने होंगे? जाहिर है 5 शेयर लेने होंगे, क्योंकि 5 × 100 बराबर 500 रुपए इसका हो जाएगा। 100 रुपए का एक शेयर है और 500 रुपए लगाना चाहता है तो उसे 5 शेयर मिलेंगे कि नहीं? इसी तरह दूसरा व्यक्ति चाह रहा है कि भैया हम 1000 रुपये आपकी कंपनी में लगाएंगे तो दूसरे व्यक्ति को 10 शेयर मिलेंगे। इसी तरह तीसरा व्यक्ति 2000 रुपये अगर लगाना चाहे तो इसे 20 शेयर लेने होंगे। चौथा व्यक्ति कहता है कि मैं 1500 रुपये लगाऊंगा तो इसे 15 शेयर मिलेंगे। पांचवें व्यक्ति को कंपनी पर ज़्यादा भरोसा है और ये 5000 रुपये लगाना चाहता है तो निश्चित रूप से इसे 50 शेयर लेने होंगे। इस तरह से है, हम देख रहे हैं कि इन 5 लोगों के सहयोग से कंपनी को जो 10000 रुपये की ज़रूरत थी वो कंपनी को मिल गई और कंपनी खूब अच्छे से चलने लगी। कंपनी के नियम में ही लिखा रहता है कि जब कंपनी को फायदा होगा तो उस लाभ को शेयर होल्डरों में उनके द्वारा लगाए गए इन पूंजी के हिसाब से बांट दिया जाएगा। यानी कंपनी अपने लाभ के हिस्सों यानी अंश को अपने शेयर होल्डर्स के बीच उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के हिसाब से बांट देती है। यही तार्किक भी है, जिसकी पूंजी का अंश कम होगा उसको लाभ का अंश भी कम मिलेगा और जिसने पूंजी ज़्यादा लगा रखा है उसको लाभ में से हिस्सा यानी लाभ का अंश ज़्यादा मिलेगा। कंपनी द्वारा शेयर होल्डर्स को जो लाभ का अंश वितरित किया जाता है उसे ही लाभांश या डिविडेंड बोलते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि कंपनी अपने लाभांश की घोषणा अंकित मूल्य पर ही करती है। यदि यह कंपनी 5% लाभांश की घोषणा करती है, इसका मतलब है कि 100 रुपये अंकित मूल्य वाले शेयर पर वह 5 रुपये लाभांश देगी। इस आधार पर इस पहले शेयर होल्डर ने चूंकि 5 शेयर खरीद रखे हैं और 500 रुपये लगा रखे हैं, इस हिसाब से इसे कुल 25 रुपये लाभांश मिलेंगे, क्योंकि 1 शेयर पर 5 रुपया फायदा मिल रहा है तो 5 शेयर पर 25 रुपये लाभांश मिलेगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 500 का 5% बराबर 500 × 5/100, ये काटेंगे और इस तरह से भी 25 रुपये उत्तर आ जाएगा। आगे आप समझ सकते हैं कि दूसरे शेयर होल्डर ने 10 शेयर खरीदे हैं इसलिए उसे कुल 50 रुपये लाभांश मिलेंगे, और ऐसे ही बाकी 3 का भी आप समझ सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आप एक दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। आप लोग निश्चित रूप से सिनेमा देखने सिनेमा हॉल में गए होंगे। यदि इस व्यक्ति के परिवार के 5 सदस्य एक साथ पिक्चर देखने गए हो और एक टिकट का मूल्य 100 रुपये हो तो उसे 500 रुपये देने होंगे। सिनेमा हॉल के मालिक द्वारा एक टिकट का मूल्य 100 रुपये निर्धारित किया गया है। आपने देखा होगा कि कोई पिक्चर बहुत अच्छी बन जाती है और बहुत लोग पसंद करते हैं और जल्द से जल्द उसे देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों की मन स्थिति का फायदा उठाकर कुछ लोग सिनेमा का बहुत सारा टिकट पहले ही खरीद लेते हैं और ज़्यादा दाम पर आम पब्लिक को बेचते हैं, या बाज़ार में कोई सामान कम हो और ख़रीदने वाले ज़्यादा हों तब भी उस सामान की कीमत बढ़ जाती है। कभी कभी इसकी उलट स्थिति भी आ जाती है, किसी दुकानदार के पास कोई सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है और ख़रीदने वाले कम होते हैं, सामान बिकता नहीं है और जब ख़राब होने लगता है तो दुकानदार अपने नुकसान को कम करने के लिए सामान का दाम
कम करके बेचने लगता है। मान लेते हैं कि परिस्थितिवश ये पहला शेयर होल्डर अपने शेयर को अब किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है। यह नया व्यक्ति इस व्यक्ति से शेयरों को अंकित मूल्य पर या अंकित मूल्य से ज़्यादा या अंकित मूल्य से कम मूल्य पर खरीद सकता है। आम वस्तुओं की तरह शेयर भी सीधे सीधे कंपनी से न खरीद के कभी कभी बाज़ार से भी खरीदे और बेचे जाते हैं। ऐसे बाज़ार को हम लोग बोलते हैं शेयर बाज़ार, यानी ऐसा बाज़ार जहां शेयरों की खरीद और बिक्री होती है उसे शेयर बाज़ार या स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। आम पब्लिक को शेयर के बारे में बहुत जानकारी नहीं होती है, तो इस मामले में जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो कंपनी के शेयरों को आम जनता के बीच खरीदने और बेचने का काम करते हैं। इन लोगों को दलाल बोलते हैं और ये लोग कंपनी के शेयरों को खरीदते और बेचते समय कमीशन लेते हैं, उस कमीशन को बोलते हैं दलाली। जब कंपनी की स्थिति अच्छी होती है यानी लोगों को लगता है कि भविष्य में कंपनी से ज़्यादा लाभ मिलने वाला है तो शेयरों के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें खरीदना चाहेंगे। और यदि ऐसा लगता है कि भविष्य में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहने वाला है तो शेयरों के दाम घट जाते हैं, क्योंकि उनमें रुचि लेने वालों की संख्या कम हो जाती है। इस तरह से शेयर बाज़ार में शेयरों की कीमत अपने अंकित मूल्य से कम ज़्यादा या बराबर हो सकती है। जिस कीमत पर शेयर बाज़ार में मिलते हैं उसे बाज़ार मूल्य या मार्केट वैल्यू कहते हैं। आपकी समझ में आ रहा होगा कि बाज़ार मूल्य अंकित मूल्य के बराबर भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अंकित मूल्य कंपनी द्वारा निर्धारित किया गया होता है जो बदलता नहीं है, और कंपनी अपने लाभांश की घोषणा अंकित मूल्य पर ही करती है। अब यदि किसी शेयर का बाज़ार मूल्य अंकित मूल्य से ज़्यादा है तो कहा जाता है कि शेयर को प्रीमियम पर बेचा गया है। जैसा कि हमने माना है कि शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये है और उसे बाज़ार में 105 रुपये में बेचा गया, यानी 5 रुपये ज़्यादा में बेचा गया, ये 5 रुपया कहलाएगा प्रीमियम। इसके विपरीत यदि शेयर का बाज़ार मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम है तो कहा जाता है कि शेयर को डिस्काउंट, बट्टा या छूट पर बेचा गया है। उदाहरण के लिए यदि 100 रुपये अंकित मूल्य वाले शेयर का बाज़ार मूल्य 90 रुपये है, इसका मतलब है कि शेयर को 10 रुपये डिस्काउंट, बट्टा या छूट पर बेचा गया है, और ये 10 रुपया डिस्काउंट या छूट या बट्टा कहलाएगा। और यदि शेयर का बाज़ार मूल्य और अंकित मूल्य बराबर हो तो हम कहते हैं कि शेयर को उसके सम मूल्य या पार वैल्यू पर बेचा गया है। इसी बात को इस तरह से भी कहा जाता है कि 100 रुपये अंकित मूल्य वाले शेयर को यदि 5 रुपये प्रीमियम पर बेचा जाता है तो शेयर का बाज़ार मूल्य कितना है। प्रीमियम पर बेचने का मतलब 5 रुपये ज़्यादा पर बेचा जा रहा है, इसलिए शेयर का बाज़ार मूल्य 105 रुपये है। इसी तरह यदि 100 रुपये वाले शेयर को 10 रुपये डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब है कि शेयर का बाज़ार मूल्य 90 रुपये है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि शेयर बाज़ार से संबंधित जो शब्दावली है उसे आप भली भांति समझ गए होंगे। आइए आप कुछ सवाल हल करते हैं। पहला सवाल है, एक कंपनी के 10 रुपये वाले शेयर बाज़ार में 12.50 रुपये में बिक रहे हैं, बताइए कि 5,000 रुपये में कुल कितने शेयर मिलेंगे।
इस सवाल का मतलब है कि ये 10 रुपये अंकित मूल्य है और 12 रुपये 50 पैसे बाजार मूल्य है। बाजार में शेयर 12 रुपये 50 पैसे में बिक रहा है, कोई आदमी 5,000 रुपये शेयर में लगाना चाहता है तो इतने रुपए में उसे कुल कितने शेयर मिलेंगे। सवाल को आयकिक नियम से हल करेंगे, चूंकि 12 रुपये 50 पैसे में मिल रहा है एक शेयर, इसलिए 1 रुपये में कितना मिलेगा, आयकिक नियम के अनुसार 1 यहाँ रहेगा, 12 रुपये 50 पैसे हर में आ जाता है, और अगली लाइन में लिखते हैं इसलिए 5,000 रुपये में मिलेंगे यहाँ 1/12.50 और यहाँ 5,000 का गुणा कर देंगे, इसे काट लेंगे तो 400 उत्तर आएगा, यानी 400 शेयर मिलेंगे। बहुत ही आसान है। इसी तरह दूसरा सवाल देखिए, एक कंपनी के 100 रुपये वाले शेयर 20 रुपये डिस्काउंट पर मिलते हैं, शेयर का बाजार मूल्य कितना है और 20 शेयरों का मूल्य कितना होगा। 100 रुपये वाले शेयर का मतलब है कि शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये है और उसे 20 रुपये डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है, यानी अंकित मूल्य से 20 रुपये कम पर बेचा जा रहा है, इसलिए एक शेयर का बाजार मूल्य हो जाएगा 100 में से 20 घटाएंगे तो आएगा ₹80। ये ₹80 हुआ एक शेयर का बाजार मूल्य। पूछा जा रहा है कि 20 शेयरों का मूल्य बताइए, तो एक शेयर के दाम ₹80 में 20 का गुणा कर देंगे और आएगा ₹1600, ये 20 शेयरों का दाम। अगला सवाल है, ज्योति 10 रुपये वाले शेयरों में ₹1500 लगाती है, जब उनका मूल्य ₹12 हो जाता है तब उन्हें बेच देती है, ज्योति को कितना लाभ हुआ। यहाँ पर ज्योति अंकित मूल्य 10 रुपये पर ही ₹1500 लगाकर शेयर खरीद लेती है, तो ज्योति ने कुल कितने शेयर खरीदे होंगे, चूंकि वो लगाती है ₹1500 और एक शेयर का दाम है ₹10, तो 1500 में 10 का भाग देंगे तो मालूम चलेगा कि उसने 150 शेयर खरीदे थे। जब शेयर का दाम 10 रुपये से बढ़कर 12 रुपये हो जाता है तो उन्हें बेच देती है, यानी उसे एक शेयर पे ₹2 का फायदा हो रहा है, 12 - 10 = ₹2। एक शेयर पे ₹2 का फायदा हुआ तो 150 शेयरों पर उसे कितना फायदा होगा, तो 150 में 2 का गुणा करेंगे मालूम चलेगा कि ज्योति को ₹300 का फायदा हुआ था। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि शेयर बाजार वाला चैप्टर लाभ हानि वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ है, इस सवाल को भी यदि लाभ हानि वाले चैप्टर से जोड़ें तो देखिए, जो ज्योति ने 10 रुपये में कोई सामान खरीदा है और 12 रुपये में बेच दिया है, यहाँ देखिए लाभ विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पे आया है, और सामान चूंकि 150 खरीदा गया है इसलिए 150 में से 2 का गुणा करके पूरा लाभ निकाल लिए हैं। सवाल है कि प्रखर के पास 5% अधिमान स्टॉक के 50 शेयर हैं जिनका सम मूल्य प्रति शेयर ₹100 है, प्रखर का वार्षिक लाभांश कितना है। यहाँ 5% अधिमान स्टॉक के शेयर का मतलब है कि शेयर पर 5% का लाभांश दिया जाएगा। एक शेयर का सम मूल्य यानी अंकित मूल्य दिया गया है ₹100 और प्रखर ने 50 शेयर खरीदे हैं तो कुल कितने रुपए उसने शेयर में लगाए हैं, 50 × 100 यानी प्रखर ने ₹5,000 शेयर में लगाए हैं। चूंकि 5% का लाभांश दिया जा रहा है इसलिए अब हम ₹5,000 का 5% निकालकर पूरे लाभांश की गणना कर लेंगे, का की जगह पे गुणा का चिन्ह 5/100 ये काट लेंगे और आएगा ₹250 लाभांश। अगला सवाल है, आशीष ने किसी कंपनी के ₹100 अंकित मूल्य वाले 150 शेयर खरीदे
उसने 9000 की पूंजी निवेश की हो तो 15% लाभांश पर उसे अपनी पूंजी पर कितने प्रतिशत का लाभ मिलेगा। सवाल के अनुसार आशीष ने 9000 रुपये खर्च करके 150 शेयर खरीदे हैं। इस आधार पर हम पता कर लेंगे कि कुल कितने शेयर आशीष द्वारा खरीदे गए हैं। तो 9000 रुपये चूँकि उन्होंने पूरे पैसे खर्च किए हैं और 150 शेयर खरीदे हैं, हम 9000 में 150 का भाग देंगे, इसे काटेंगे तो आएगा कि आशीष ने कुल 60 शेयर खरीदे हैं। अब चूँकि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये है, इसलिए कुल 60 शेयरों का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 60 में 100 का गुणा कर देंगे, पूरा अंकित मूल्य आया 6000 रुपये। अगला काम है लाभांश निकालना। सवाल को ध्यान से समझेंगे। कंपनी लाभांश की घोषणा अंकित मूल्य पर करती है, लेकिन आशीष को अपने लाभ की गणना अपनी पूंजी पर करना है। कंपनी 15% लाभांश देती है तो 6000 पे टोटल लाभांश हो जाएगा 6000 का 15%। इसे हल करेंगे, 6000 × 15/100 यानी 900 रुपये। यानी कंपनी की तरफ से आशीष को 900 रुपये लाभांश दिया गया, लेकिन आशीष चाह रहा है कि अपने लाभांश की गणना अपनी पूंजी 9000 पर करे। इसके लिए फिर एक नियम का सहारा लेंगे। चूंकि 9000 पूंजी पर लाभ है 900 रुपये, इसलिए 1 रुपये पूंजी पर लाभ होगा 900/9000, और इसलिए चूंकि प्रतिशत में निकालना है इसलिए 100 पर निकालेंगे। ये हो जाएगा 900/9000 × 100, काट लेंगे आएगा 10%। यानी आशीष को अपनी पूंजी पर 10% का लाभ हुआ। अगला सवाल है, अखिलेश के पास अधिमान स्टॉक के 10 रुपये वाले 40 शेयर और अभिषेक के पास 6% अधिमान स्टॉक के 20 रुपये वाले 30 शेयर हैं, दोनों में किसको अधिक लाभांश मिलेगा और कितना। हल करते हैं। अखिलेश ने 40 शेयर खरीदे हैं और एक शेयर का दाम 10 रुपये है, तो 40 शेयरों का दाम हो जाएगा 40 × 10 = ₹400। यानी अखिलेश ने 400 रुपये निवेश किए हैं। अखिलेश के शेयरों पर 10% का लाभांश दिया जा रहा है। इस आधार पर अखिलेश का लाभांश हो जाएगा उनकी पूरी पूंजी 400 रुपये पर 10% का लाभांश मिलेगा। ये काटेंगे तो मालूम चलेगा कि उन्हें 40। इसी तरह अभिषेक ने 30 शेयर खरीदे थे और एक शेयर का दाम है 20 रुपये, तो अभिषेक के 30 शेयरों का कुल मूल्य हो जाएगा 30 × 20 = ₹600। अभिषेक के शेयरों पर 6% लाभांश की घोषणा की जा रही है, तो अभिषेक का कुल लाभांश हो जाएगा उनकी कुल पूंजी 600 का 6/100। काटेंगे तो मालूम चलेगा कि इन्हें 36 रुपये का लाभांश मिल रहा है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अखिलेश का लाभांश ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 4 रुपये ज़्यादा है। अखिलेश का 40 रुपये है और अभिषेक का 36 रुपये है। अगला प्रश्न है, मृदुला के पास 10 रुपये सम मूल्य वाले 200 शेयर हैं, यदि उन शेयरों का बाजार भाव 80 रुपये हो तो क्रेता को उन शेयरों का क्या मूल्य देना होगा और मृदुला को कितना लाभ होगा। यहाँ मृदुला अपने शेयरों को किसी दूसरे क्रेता यानी खरीदार को बाजार भाव पर शेयर बेच देती है।
मृदुला ने शेयरों को 10 रुपये के हिसाब से कुल 200 शेयर खरीदे थे, यानी उसने कुल 2000 रुपये इन्वेस्ट किया था। और जब शेयरों का भाव 80 रुपये हो जाता है तो उसने क्रेता को बेच दिया, यानी इस क्रेता को इन 200 शेयरों के लिए 80 रुपये के हिसाब से कुल 200 × 80 = 16000 रुपये देने होंगे। और मृदुला को लाभ कितना हुआ? 16000 में बेचा था, 2000 में खरीदा था, दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो मालूम चलेगा कि मृदुला को 14000 रुपये का लाभ हुआ। अभी जो हमने सवाल पढ़ा है उसी से मिलता जुलता एक और सवाल है। यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये और बाजार मूल्य 40 रुपये प्रति शेयर बताया गया हो तो उसे 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना होगा, शेयरधारी को क्या लाभ होगा, जबकि उसने शेयर को अंकित मूल्य पर खरीदा था। सेम डिजाइन का प्रश्न है, शेयरधारी अंकित मूल्य पर शेयर को खरीदा है, एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये है, कुल शेयर 300 रुपये है, तो शेयरधारी ने कुल 10 × 300 = 3000 रुपये पूंजी लगाई है। अब इस शेयरधारी ने क्रेता को 40 रुपये बाजार मूल्य पर शेयर बेचा है। चूंकि एक शेयर का बाजार मूल्य 40 रुपये है इसलिए 300 शेयरों के लिए क्रेता द्वारा दिया गया मूल्य होगा 40 × 300 = 12000। शेयरधारी 3000 रुपये में शेयर खरीदा था और 12000 रुपये में क्रेता को बेच दिया, इसलिए शेयरधारी को कुल 12000 − 3000 = 9000 रुपये का लाभ हुआ। अगला सवाल है, सुमन ने 100 रुपये मूल्य वाले 125 शेयर ₹480 प्रति शेयर के बाजार भाव पर खरीदे और 1% दलाली भी दिया। यदि उसने ₹525 प्रति शेयर से बेच दिया तो उसे कितना लाभ हुआ? यह दलाली पर आधारित सवाल है। यदि कोई व्यक्ति दलाल के माध्यम से शेयर खरीदता है तो अपने द्वारा लगाई गई कुल पूंजी का कुछ प्रतिशत दलाल को दलाली देनी पड़ती है। सवाल को हल कर दिया गया है, स्टेप्स को समझा दे रहा हूँ। सुमन द्वारा लगाई गई पूंजी, चूंकि उसने 125 शेयर खरीदे थे और एक शेयर का दाम 480 रुपये है, इसलिए दोनों का गुणा करने पर आएगा कि 60000 रुपये उसने पूंजी लगाई थी। यहाँ ध्यान देना है कि सुमन ने शेयरों को बाजार भाव पर खरीदा था, न कि अंकित मूल्य 100 रुपये पर, इसीलिए यहाँ पर 480 का गुणा किया गया है न कि 100 का। अब सुमन को इसी 60000 रुपये पर 1% दलाली देनी है। 60000 का 1% 600 रुपये आएगा, यानी सुमन ने कुल कितनी पूंजी लगाई? 60000 तो शेयर खरीदने में और 600 रुपये दलाली का दिया, टोटल 60600 रुपये उसने खर्च किए। अब बाद में सुमन उन्हीं शेयरों को 525 रुपये के हिसाब से किसी और को बेच देती है, तो 125 शेयरों का विक्री मूल्य कितना होगा? 525 रुपये एक शेयर का दाम है और टोटल 125 शेयर हैं, दोनों का गुणा करने पे 65625 रुपये में बेचा गया है। सुमन ने बेचा था 65625 में और खर्च किया था 60600, तो उसका लाभ निकल जाएगा इन दोनों का अंतर करके 5025 रुपये।